क्या बात सर, क्या बात है, क्या बात है जावेद भाई, मजा आ गया सर, मजा आ गया, थैंक यू। Thank you so much. जावेद साहब, उनके सुरों को सुन के मन मतवाला हो गया। आहा, क्या बात है? जावेद की आवाज से अंधेरों में उजाला हो गया। क्या बात है? सच्ची बंदगी है तेरे हर आलाप में, सुना जो तेरे गीतों को तन मन शिवाला हो गया। क्या बात है? थैंक यू पाजी, थैंक यू। आ गया गुरु। इंडियन आइडल के जजेस हमारे साथ, हमारे बीच आ चुके हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत ही कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर, वेरी टैलेंटेड विशाल सर, और कमाल के सिंगर, बॉलीवुड से लेकर सूफियाना गानों में अपनी धूम मचाने वाले जबरदस्त जावेद भाई, जोरदार तालियां। अरे विशाल सर, आपकी तो जोड़ी शेखर सर के साथ है, आपने जावेद भाई के साथ जोड़ी कैसे बना ली? सर ऐसा है कि मतलब फायदे का काम जाऊं। नहीं, आपको तो पता है ना, लाइफ में जितनी अपॉर्चुनिटी आती है, जितने चांस मिलते हैं, ले लेने चाहिए। अच्छा। तो मैं यहाँ पे हूँ शेखर, और कुछ? अच्छा, छाप रहे नोट? बिल्कुल, काम धंधा कोई नहीं छोड़ रहा, क्या बात है। ये इस बात आपको पता है सिद्धू भाई, आपसे सीख रहे हैं लोग, गुरु जी छोड़ना कुछ नहीं, छापते जाओ। भाजी देखो, मल्टी टैलेंटेड आदमी है तो मल्टी टास्क करने चाहिए ना। ठीक है, मुझे तो भाजी उस दिन बोल रहे थे, कहता मैं ना चाइनीज मोमो बनाने शुरू कर दिया। जावेद भाई के गाने इतने पॉपुलर हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक दो गाने जो बड़े, मतलब मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं सारे गाने, जैसे अर्जियां पाजी, मौला मेरे मौला, जैसे गाने जब ये गाते हैं तो जाहिर सी बात है ऊपर वाले को याद करते होंगे। पाजी जब ये गाने गाते हो कि पल पल न माने टिंकू जिया, इश्क का मंजन घिसे है पिया, तो पाजी इश्क का जब मंजन घिसते हैं तभी किसको याद करके आप गाते हो गाना पाजी? थोड़ा सा राज है जी, किसी को इमेजिन करना पड़ता है। जिसको मंजन घिसा होगा आपने कभी। अच्छा विशाल सर, लोग कहते हैं ऐसा कि इंसान के पास जब पैसा आ जाए तो बाकी चीजें अपने आप आ जाती हैं, तो आपने कभी सोचा नहीं कि आपका जो प्लॉट खाली पड़ा है उस पर खेती दोबारा की जाए? सर मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ, ये बंबई है, यहाँ पे खाली प्लॉट पे खेती नहीं होती। विशाल सर, जावेद भाई, हमें पता है कि आप इंडियन आइडल को बहुत मिस कर रहे हो, और खास तौर पे उन बच्चों को जिन्होंने इंडियन आइडल में धूम मचा रखी थी। बिल्कुल, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप आए और हम उनको ना इनवाइट करें। अरे तो आज 26 जनवरी के मौके पे इस मंच पे चार चांद लगाने के लिए हमने इंडियन आइडल के चारों फाइनलिस्ट को यहाँ पे बुलाया, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करना चाहूंगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि विशाल सर, जावेद भाई, आप सिद्धू भाई के साथ वहां विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां। जोरदार तालियों से स्वागत करिए इंडियन आइडल विनर सलमान अली एंड द फाइनलिस्ट नितिन, नीलांजना और अंकुश। वो आज दिन तेरे दिन चढ़े, क्या बात है, तेरे रंग वर्गा, क्या बात, फूल सा है खिला आज दिन, रब मेरे दिन झिला ढले, कुछ मुझे ख्वाब में मिले उसे तू लगा दे अब गले, तेनु दिल दा वास्ता रबाया घर गुजार के, सारा जहां छोड़ छोड़ के मेरे सपने संवार दे, तेनु दिल दा वास्ता आज दिन चढ़े आ तेरे रंग। तू मेरे दिल को
जान से जुदा कर दे यूं बस तू क्या बात है मुझको फना कर दे हो मेरा हाथ तू मेरी चाद तू बस कर दे आशिकार तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफिया तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफिया जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा निभाना पड़ेगा एक सेकंड ये तो हमारे घर के बच्चे यार ऐसे थोड़ी मिला जाएगा यार इनसे सॉरी क्या बात है अरे क्या बात है सलमान यार मैं पीछे रह गया यार क्या चक्कर है यार मतलब क्या चाल है इधर आओ गुरु इधर आ जरा बहुत मिस कर रहे हैं पाजी एक पप्पी ले लूं पप्पी दे भाई पाजी इसके बाद नितिन का टर्न है सर सबसे दुबला वाला उठा लिया इधर उठाओ जाड़ा वाला ये हिंदुस्तान के वो चार नायाब हीरे हैं जिन्होंने ऐसी धूम मचाई इंडियन आइडल में कि लोगों ने इनको सर आंखों पे बिठा लिया और ये डिजर्व भी करते हैं जोरदार तालियां आ जाओ यहाँ पे विराजमान होते हैं आ जाओ आ जाओ आज पहली बार इतनी छोटी उम्र के गेस्ट हमारे शो पे आए हैं कपिल भाजी जी सर ये छोटे जरूर हैं लेकिन बहुत बड़ों बड़ों से बहुत बड़े हैं इसमें कोई शक नहीं है सर छोटा तीर घाव करे गंभीर आए हाय क्या बात है आप बात समझा आज तेरे पास हीरे हैं तो जौहरी मेरे पास हैं ठोको अच्छा ये सोफा पे जो आप बैठे हो पिछले हफ्ते यहाँ पे शत्रुघ्न सिन्हा साहब बैठे थे सलमान भाई बैठे थे आप इतनी छोटी उम्र में इस सोफे बैठने निकालो 15,000 रुपए अच्छा ये चारों ही बच्चे हैं तो बड़े भाई होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि इनको कुछ ज्ञान बांटने का मेरा दिल कर रहा है अरे अब आप लोग स्टार बन गए हो फेमस हो गए हो पहली बात तो कोशिश करना स्मार्टफोन जेब में रखो ही ना और अगर रखा है तो ट्विटर पे नहीं जाना रात को 11 बजे के बाद